दोस्तों हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई IC 814 द कांधार हाईजैक सीरीज को लेकर काफी बवाल मचा हुआ था। दरअसल इस सीरीज के तार 24 साल पुराने यानी 1999 में हुए कांधार हाईजैक से जुड़े हैं, जब 5 हाईजैकर्स ने 179 पैसेंजर्स और कुछ क्रू मेंबर से भरे भारतीय विमान को हाईजैक कर लिया था। यह विमान काठमांडू से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, मगर दिल्ली आने की बजाय कांधार जा पहुंचा। करीब एक हफ्ते तक लोग इस विमान में हाईजैकर्स के बीच फंसे रहे। सोचिए उस वक्त उन लोगों पर क्या बीत रही होगी। ऐसा क्या कारण था कि इस भारतीय विमान को कांधार जाना पड़ा। आखिर IC 814 क्या है और प्लेन को हाईजैक करने के पीछे क्या मकसद था। दोस्तों आज की वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ इस हाईजैक की कहानी सुनाने वाले हैं, और इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि IC 814 सीरीज को लेकर विवाद क्यों है। इसलिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। लेट्स बिगिन द वीडियो। इस दुखद घटना की शुरुआत होती है एक ऐसी तारीख से जब पूरी दुनिया क्रिसमस ईव सेलिब्रेट कर रही थी। 24 दिसंबर 1999 के दिन इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट 814 काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरती है, जिसे IC 814 के नाम से जाना जाता है। शाम करीब 4 बजे तक सभी यात्री विमान में बैठ चुके थे। इस फ्लाइट को दिल्ली पहुंचने में लगभग 2 घंटे का समय लगता, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों का सफर हफ्ते भर में बदलने वाला है। शाम के करीब 4:53 पर जैसे ही ये पैसेंजर फ्लाइट इंडियन एयर स्पेस में एंटर करती है, विमान में एक अनाउंसमेंट होती है कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। ये सुनते ही फ्लाइट में सवार लोगों के पसीने छूट जाते हैं। कुछ ही देर में लोगों के बीच में 5 हाईजैकर्स खड़े होते हैं, जिन्होंने अपने चेहरे को नकाब से ढका हुआ था। उनमें से एक नकाबपोश पायलट के केबिन में जाता है और कैप्टन देवी शर्मा के सिर पर बंदूक तान देता है। हाईजैकर्स प्लेन को वेस्ट डायरेक्शन में उड़ाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो इस प्लेन को पाकिस्तान की ओर ले जाना चाहते थे। ये 5 हाईजैकर्स बड़े शातिर थे, अपने असली नाम के बजाय एक दूसरे को अजीबोगरीब नामों से बुला रहे थे, जैसे बर्गर, चीफ, भोला, शंकर और डॉक्टर जैसे कोड नेम रखे हुए थे। आपको बता दें कि उस वक्त विमान में 190 यात्री सवार थे, जिसमें 179 पैसेंजर्स और कैप्टन देवी शरण, फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार और फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जगिया सहित 11 क्रू मेंबर शामिल थे। किसी तरह हाईजैकर्स की नजरों से बचकर कैप्टन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को प्लेन के हाईजैक होने की सूचना देने में कामयाब रहते हैं। मगर इस बीच हैरान करने वाली बात ये रही कि हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा को इस बारे में करीब 1 घंटे बाद खबर मिलती है। उस दौरान यह बताया गया कि अपहरणकर्ता यह कह रहे थे कि विमान को लाहौर ले जाया जाए, मगर लाहौर ATC ने लैंड करने की अनुमति नहीं दी है। तब इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तान से संपर्क करता है और उसके प्लेन को लाहौर में लैंड करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान उन्हें साफ इनकार कर देता है। उधर हाईजैकर्स बार बार कैप्टन देवी शरण को धमकी दे रहे थे कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो प्लेन में सवार लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। तब कैप्टन देवी शरण के सामने केवल एक ही ऑप्शन था, और वो था हाईजैकर्स को इंडिया में ही प्लेन लैंडिंग के लिए मनाना। कैप्टन समझदारी से काम लेते हुए हाईजैकर से कहते हैं कि हम परमिशन के लिए ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते हैं। प्लेन का फ्यूल तेजी से खत्म हो रहा है और अगर ऐसी स्थिति में लैंडिंग नहीं की गई तो विमान किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। आखिरकार कैप्टन देवी शरण हाईजैकर्स को अमृतसर में विमान लैंड कराने के लिए मना लेते हैं। लगभग 7 बजे फ्लाइट अमृतसर में लैंड करती है। दोस्तों आपको भी लग रहा होगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, इंडिया में आते ही यात्रियों को छुड़ाकर हाईजैकर्स को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से ठोस निर्णय ना लेने और कम्युनिकेशन गैप की वजह से सब मामला बिगड़ जाता है। पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को विमान हाईजैक की सूचना सरकार की तरफ से नहीं बल्कि टीवी चैनल से पता चलता है, और वो भी 1 घंटे बाद यानी 6 बजे के आसपास। खैर अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरते ही हाईजैकर्स विमान में जल्द से जल्द फ्यूल भरने की डिमांड करते हैं। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ मीटिंग कर रहे थे, लेकिन मीटिंग बेनतीजा रहती है। वहीं दूसरी तरफ लोकल पुलिस हाईजैकर से बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन अपहरणकर्ता बात करने से मना कर देते हैं। सेना चाहती थी कि हाईजैकर्स प्लान को जितना देर हो सके उतनी देर तक अमृतसर में रोक कर रखना है, ताकि उन्हें स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ज्यादा वक्त मिल सके।
वहीं जब फ्यूलिंग में ज्यादा समय लगता है तो हाईजैकर्स को शक होता है कि कहीं ये भारत की कोई चाल तो नहीं है। हाईजैकर्स कैप्टन को धमकी देते हैं कि अगर जल्दी फ्यूलिंग रिफिल नहीं की गई तो उसका अंजाम बुरा होगा। बताते हैं कि इस दौरान विमान का इंजन चालू था। जब अपहरणकर्ताओं से रिफ्यूलिंग के लिए इंजन बंद करने के लिए कहा जाता है तो वो ऐसा करने से मना कर देते हैं। तब कैप्टन सरकार से जल्दी फ्यूलिंग फिल करने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन 15 मिनट बीत जाते हैं, कोई रिफ्यूलिंग नहीं होती। तब हाईजैकर गुस्से में आकर यात्रियों को मारने पीटने लगते हैं। इस दौरान एक हाईजैकर सतनाम सिंह नाम के एक यात्री पर हमला करता है। वो चाकू से सतनाम की गर्दन पर तेज वार करता है, जिससे प्लेन में मौजूद अन्य यात्री बुरी तरह डर जाते हैं। अचानक प्लेन में सन्नाटा फैल जाता है। कैप्टन फौरन प्लेन में मचे इस आतंक की सूचना अधिकारियों को देते हैं। तब ये सोचा जाता है कि जब फ्यूलिंग के लिए ऑयल टैंकर प्लेन के पास जाएगा तो उसी के साथ कुछ पुलिस वालों को भी भेज दिया जाएगा, ताकि फ्यूल भरने के दौरान पुलिस प्लेन के टायर्स को पंक्चर कर देगी। इस प्लानिंग के तहत प्लेन हवा में नहीं उड़ सकेगा। कुछ देर बाद फ्यूल से भरे एक टैंकर को भेजा जाता है। टैंकर ड्राइवर काफी स्पीड में ड्राइविंग कर रहा था। ये देखकर सभी को लगता है कि कहीं हाईजैकर्स कुछ गलत ना समझ ले, इसलिए वो ड्राइवर को स्पीड स्लो करने की इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता। ड्राइवर अचानक से फ्यूल टैंकर को बीच में रोक देता है। ये सब देखकर हाईजैकर्स का शक यकीन में तब्दील हो जाता है, इसलिए वो कैप्टन पर दबाव बनाते हैं और उन्हें बिना फ्यूलिंग रिफिल किए प्लेन उड़ाने का ऑर्डर देते हैं। बस कुछ ही देर में NSG कमांडो मौके पर पहुंचने वाले थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शाम 7:49 पर अमृतसर से उड़ान भरने के बाद विमान ने एक बार फिर लाहौर का रुख किया, वो भी ATC अमृतसर को सूचित किए बिना। मगर अभी भी प्लेन में फ्यूल नहीं था। वहीं प्लेन के जाने से भारत सरकार का सारा प्लान चौपट हो जाता है। दोस्तों, अगर सही समय पर सही प्लानिंग कर ली जाती तो प्लेन में सवार लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन अब क्या कर सकते थे, प्लेन तो जा चुका था। हाईजैकर्स एक बार फिर कैप्टन देवी शरण को कहते हैं कि प्लेन लाहौर की तरफ उड़ाया जाए। कैप्टन के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। देवी शरण दोबारा से लाहौर ATC से कॉन्टैक्ट करते हैं और उनसे फ्लाइट लैंड करने की परमिशन मांगते हैं, मगर इस बार भी वो मना कर देते हैं। जब ये बात कैप्टन हाईजैकर्स को बताते हैं तो वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, फ्लाइट यहीं पर लैंड की जाए, वरना हम पैसेंजर्स की जान ले लेंगे। मजबूरन कैप्टन को उसकी बात माननी पड़ती है। वहीं पाकिस्तान चालाकी दिखाते हुए लाहौर एयरपोर्ट के रनवे की सारी लाइट्स और नेविगेशन पॉइंट्स को बंद करवा देते हैं। उधर हाईजैकर्स कैप्टन पर प्रेशर डालते हुए कहते हैं कि किसी भी हाल में फ्लाइट की लैंडिंग कराई जाए। कैप्टन फ्लाइट को नीचे की डायरेक्शन में उड़ाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे आते हैं तो नजारा बेहद चौंकाने वाला था। यहाँ कोई रनवे नहीं था, बल्कि वो एक हाईवे के ऊपर थे। तब घबरा कर कैप्टन फौरन प्लेन को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और पाकिस्तान ATC से कहते हैं कि प्लेन में फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर उन्हें लाहौर में फौरन फ्लाइट लैंड करने की परमिशन नहीं दी गई तो विमान की क्रैश लैंडिंग करनी पड़ेगी, जिससे लाहौर में बड़ा हादसा हो सकता है। ये सुनते ही पाकिस्तान बुरी तरह से घबरा जाता है और वो अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लाहौर में लैंड करने की परमिशन दे देता है। इसके बाद रात 8:01 पर विमान पाकिस्तान के लाहौर में उतरता है। विमान में फ्यूलिंग का काम पूरा करने के बाद जहाज एक बार फिर से उड़ान भरता है। रात 10:32 पर विमान अफगानिस्तान में काबुल के लिए उड़ान भरता है, लेकिन काबुल से यह सूचना मिलती है कि यहाँ रात में उतरने की कोई सुविधा नहीं है। तब फ्लाइट ओमान की तरफ टर्न करती है, मगर वहाँ से भी लैंड करने की परमिशन नहीं मिलती। इसके बाद फ्लाइट को दुबई की परमिशन से रात के करीब 2:45 वहाँ से एक हवाई अड्डे पर उतारा जाता है। यहाँ भी फ्यूल भरने की बातें होती है, क्योंकि काफी देर तक यहाँ से वहाँ प्लेन को उड़ाने की वजह से फ्लाइट का फ्यूल लगभग खत्म हो चुका था। तब दुबई की सरकार हाईजैकर्स पर फ्यूल के बदले यात्रियों को रिहा करने का दबाव बनाती है, मगर अपहरणकर्ता अपनी बात पर अड़े रहते हैं। आखिरकार इस बात पर सहमति बनती है कि बीमार लोगों, बच्चों और कुछ महिलाओं को रिहा कर दिया जाएगा। तब जाकर दुबई एयरपोर्ट पर इस विमान को फ्यूल दिया जाता है। 25 दिसंबर को हाईजैकर्स से निगोशिएशन करने के बाद 27 पैसेंजर्स को छोड़ने की बात तय होती है, जिसके चलते इंडियन एयरलाइंस का एक स्पेशल रिलीफ प्लेन दुबई भेजा जाता है। इस काम की जिम्मेदारी तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री शरद यादव को सौंपी जाती है, इसलिए वो कुछ अधिकारियों के साथ दुबई पहुंचते हैं। रिलीफ प्लेन की मदद से 27 पैसेंजर को भारत लाया जाता है। इन पैसेंजर्स के साथ एक डेड बॉडी भी भेजी जाती है, जो 25 वर्षीय रुपिन कटियाल नाम के एक पैसेंजर की थी।
दरअसल जब हाईजैकर्स को अपना काम बनता नहीं दिख रहा था तब उन्होंने रूपिन को अपना निशाना बनाया था। रूपिन अपने हनीमून से वापस इंडिया लौट रहे थे। बुरी तरह जख्मी होने की वजह से रूपिन की मौत हो जाती है। रूपिन की हत्या की खबर के बाद से लोगों में गुस्सा और दुख की लहर फैल गई थी। 27 पैसेंजर्स को छोड़ने के बाद अपहरणकर्ता प्लेन को अफगानिस्तान के कंधार शहर की ओर ले जाने का ऑर्डर देते हैं। अपहरणकर्ता जैसे जैसे आदेश दे रहे थे मजबूरन पायलट को उसे फॉलो करना पड़ रहा था, क्योंकि अभी भी फ्लाइट में 155 लोग मौजूद थे। 8:33 पर प्लेन अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे पर लैंड करता है। कंधार वो जगह है जहां फ्लाइट IC-814 अपनी आखिरी लैंडिंग करती है, और इसी के साथ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। उन दिनों अफगानिस्तान का अधिकांश इलाका तालिबान के कब्जे में था। इस दौरान यह आतंकवादियों और कट्टरपंथियों का होम टाउन हुआ करता था। साफ शब्दों में कहे तो तालिबान शासित अफगानिस्तान एक ऐसी जगह थी जहां से अपहरणकर्ता अपनी डिमांड आसानी से पूरी करवा सकते थे। कांधार में ही हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड रखनी शुरू कर दी। तालिबान का कहना था कि वो इस हाईजैकर्स में किसी तरह से शामिल नहीं है और वो केवल भारत और हाईजैकर्स के बीच बातचीत करा रहा है, जबकि असल बात तो ये है कि तालिबान खुद इस साजिश का हिस्सा था। हाईजैकर्स ने सबसे पहले पाकिस्तानी आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर समेत भारत की जेलों में बंद 36 आतंकियों की रिहाई, सज्जाद अफगानी का शव और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की थी। सज्जाद हरकत उल मुजाहिदीन का कमांडर इन चीफ था, साथ ही वो 1990 के दशक का कुख्यात कश्मीरी आतंकी था। 15 जुलाई 1999 को भारतीय जेल से भागने की कोशिश के दौरान उसे गोली मार दी गई थी। खैर, भारत हाईजैकर्स द्वारा की गई इन डिमांड्स को खारिज कर देता है, क्योंकि ये कोई आम मांगे नहीं थी। मगर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा करते तो देश में फिर से आतंकी गतिविधियां हो सकती थी। वहीं अब तक पूरे देश और दुनिया में इस प्लेन हाईजैक की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। 26 दिसंबर 1999 को विदेश मंत्री जसवंत सिंह एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसी दौरान हाईजैक हुए प्लेन में सवार लोगों के परिजन कॉन्फ्रेंस में घुस जाते हैं और उनसे हाईजैकर्स की मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डालते हैं। उधर समझौते की कोशिशें लगातार नाकाम हो रही थी। अपहरणकर्ता अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। तालिबान ने अपहरणकर्ताओं को सलाह दी कि पैसे और सज्जाद अफगानी के शव की उनकी मांगे गैर इस्लामी है, इसलिए वो इन दोनों मांगों को छोड़ दे। तालिबान के कहने पर उन्होंने पैसे और शवों की मांग छोड़ दी, लेकिन भारतीय जेलों में बंद 36 आतंकवादियों की रिहाई की मांग मनवाने के लिए वो अड़े रहे थे। उस दौरान तालिबान की हरकतों को देखकर लग रहा था कि वो डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ तो वो कहता था कि विमान में सवार यात्रियों को कोई तंग करेगा तो हम अपहरणकर्ताओं पर हमला कर देंगे, वहीं दूसरी तरफ हाईजैकर्स को कांधार ने पनाह देकर भारत सरकार से बार्गेनिंग का मौका भी उन्हें दे रहा था। भारत सरकार अभी भी हाईजैकर्स की डिमांड को पूरा करने के हक में नहीं थी। वहीं प्लेन में बंधक यात्रियों की हालत खराब होती जा रही थी। प्लेन में खाने का सब सामान खत्म हो चुका था। सड़कों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। भारत सरकार पर हर तरफ से प्रेशर बढ़ता जा रहा था। तब 27 दिसंबर को इंडियन निगोशिएशन की टीम कंधार पहुंचती है। इस टीम के लीडर विवेक काटजू थे, जो उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर थे। इस टीम में मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी थे। आखिर में 30 दिसंबर की देर रात समझौता होता है, जिसके तहत बंधक यात्रियों को छोड़ने के बदले 3 आतंकवादी को छोड़ने की बात तय होती है। मगर वो 3 आतंकी हाईजैकर्स की पसंद के थे। उन 3 खतरनाक आतंकवादियों के नाम थे मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर शहीद शेख। इन तीनों का संबंध पाकिस्तानी आतंकी संगठन से था। 31 दिसंबर को विदेश मंत्री जसवंत सिंह के साथ इन तीनों आतंकियों को एक स्पेशल विमान से कांधार भेजा गया, जिनके बदले में हाईजैकर से प्लेन में मौजूद सभी बंधक यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को छुड़ा लिया गया। वहां से देर रात सभी यात्रियों को वापस लेकर जसवंत सिंह दिल्ली पहुंचे। यात्रियों की सकुशल रिहाई के बाद सबने राहत की सांस ली, लेकिन रूपिन कात्याल की हत्या और 3 आतंकवादियों को रिहा किए जाने के कारण सबके मन में एक कसक भी थी। भारत सरकार को उम्मीद थी कि बंधकों को बचाने के बाद तालिबान हाईजैकर्स को पकड़ लेगा, लेकिन इसका उलट हुआ। तालिबान का सुप्रीम लीडर अपने कुछ लोगों के साथ खुद उन आतंकवादियों समेत हाईजैकर्स को पाकिस्तान बॉर्डर पर ले जाकर छोड़ देता है।
जिससे साफ हो जाता है कि इस हाईजैक में पाकिस्तान भी शामिल था। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स पर आई सीरीज IC 814 को लेकर हंगामा क्यों है। दरअसल ये सीरीज कांधार विमान हाईजैक रियल घटना पर आधारित है। इस सीरीज में पांचों हाईजैकर्स के हिंदू नाम दिखाए गए हैं, जिनमें से भगवान शिव के अन्य नाम भोला और शंकर शामिल है, जबकि उनके असली नाम कुछ और थे। याचिका में कहा गया है कि इससे हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई है। हाईजैक करने वाले आतंकियों के असली नाम इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शाकिर थे, मगर वेब सीरीज में इनके नाम बदलकर भोला शंकर चीफ डॉक्टर और बर्गर किए गए हैं। IC 814 पर बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसमें आतंकवादियों के रियल नाम छुपाने की कोशिश की गई है। तो ये थी विवादों से घिरी इस वेबसाइट की पूरी स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं यह आपको बहुत पसंद आई होगी। इसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।